संभावना देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। जी जी सर, उस संभावना में क्या परिस्थिति होती है सर, वो आने वाले दिन में पता चलेगा। कुछ सर, कुछ स्थितियां ठीक नहीं चल रही है सर, जो मौजूदा सरकार है उसके लिए सर। देखिए बिहार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो चुका है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां बीजेपी यह कहता रहा कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, तो दूसरी तरफ बिहार की अभी राजनीति स्थिति देखा जाए तो कुछ सही नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से किसी भी क्षण जो है अलग हो सकते हैं और एक बार पुनः एनडीए का साथ जो है नीतीश कुमार आ सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, संकेत भी मिल रहे हैं। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का जो बैठक है बिहार के, वह आला कमान के साथ हुआ और सभी चीज़ें जो है वह तय हो गई है। उस बैठक में जो है प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा थे और भीष्म पितामह कहे जाने वाले बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी थे और अन्य भी लोग थे। वहीं जब इस बैठक से पुनः दिल्ली से पटना लौटे विजय कुमार सिन्हा से मीडिया ने सवाल किया, तब उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि अगर बात राष्ट्रवाद की आती है, राष्ट्रहित की आती है या फिर बिहार के विकास की आती है, तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें संभावनाएं अगर बनती भी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। यानी बीजेपी स्वीकार कर ली कि नीतीश कुमार अगर साथ आते हैं तो हम उन्हें स्वागत करते हैं और नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे खुले हैं। आपको उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का। बैठक पहुंचे हैं सर, क्या होगा सर, कुछ स्थितियां बदल सकती है संभावना से कुछ? ये संभावना देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। जी जी सर, इस संभावना में क्या परिस्थिति होती है सर, वो आने वाले दिन में पता चलेगा। कुछ सर, कुछ स्थितियाँ ठीक नहीं चल रही है सर, जो मौजूदा सरकार है उसके लिए सर। देखिए बिहार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो चुका है सर। राजनीतिक सर, राजनीतिक सर कुछ नहीं, राजनीतिक गलियारों में बंद दरवाजे खुलते हैं, सुशील मोदी ने कहा, आप भी सर इन बातों को सर इत्तेफाक रखते हैं? अब देखिए, अरे हमारे केंद्रीय नेतृत्व ही इस पर स्पष्ट कर पाएंगे। आपके अनुसार सर फीडबैक क्या दिया जाएगा? राजनीतिक अस्थिरता बिहार के लिए कतई उचित नहीं है, अपराध भ्रष्टाचार बिहार को बर्बाद कर रहा। यानी सुधारने की कोशिश बीजेपी करेगी सर, मौका सर बिहार की जनता को हित में। आगे की राजनीति में क्या होती है यह स्पष्ट आगे पता चले। बैठक पहुंचे हैं सर, क्या होगा सर, कुछ स्थितियां बदल सकती है संभावना से कुछ? ये संभावना देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। जी जी सर, इस संभावना में क्या परिस्थिति होती है सर, वो आने वाले दिन में पता चलेगा। कुछ सर, कुछ स्थितियां ठीक नहीं चल रही है सर, जो मौजूदा सरकार है उसके लिए सर। देखिए बिहार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो चुका है सर। राजनीतिक सर, राजनीतिक सर कुछ नहीं, राजनीतिक गलियारों में बंद दरवाजे खुलते हैं, सुशील मोदी ने कहा, आप भी सर इन बातों को सर इत्तेफाक रखते हैं? अब देखिए, अरे बोल रहे हमारे केंद्रीय नेतृत्व ही इस पर स्पष्ट कर पाएंगे।